नव भारतीय परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोठारी आयोग के प्रमुख सुझावों के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने कोठारी आयोग के परिवर्तनों के बारे में और कोठारी आयोग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस किया था। आज बच्चों, कोठारी आयोग जिसका गठन 1964 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इनकी अध्यक्षता में 1964 में एक आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग का गठन जो किया गया और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, इसीलिए इस आयोग का नाम बच्चों कोठारी आयोग रखा गया। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने जो अपनी रिपोर्ट में अपने जो सुझाव दिए वही भारत की राष्ट्रीय नीति 1968 बनी। तो भारत की पहली राष्ट्रीय नीति बनाने में जिस आयोग का सबसे ज्यादा योगदान है बच्चों, वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग से पहले भी कई आयोग आए, स्वतंत्रता से पहले भी आए और स्वतंत्रता के बाद भी आए। स्वतंत्रता से पहले हंटर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सार्जेंट आयोग, कई आयोग आए, वर्धा योजना, कई स्कूली शिक्षा को लेकर कई आयोग आए। स्वतंत्रता के बाद मुदालियर आयोग आया, तो राधा कृष्णन आयोग 1948 और मुदालियर आयोग 1952 आया। लेकिन हमारी भारत की शिक्षा नीति में, शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन में और स्कूली शिक्षा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने में कोठारी शिक्षा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। कोठारी शिक्षा आयोग के सुझावों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे और उनकी डिटेल्स को ध्यान से सुनेंगे। देखो, पहला कह रहा है भारत के भाग्य का निर्माण कक्षों में। देखो बच्चों, आप सब जानते हो हमारा जो भविष्य है वो भावी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर निर्मित है। हमारे देश का विकास उन सब बच्चों पर निर्भर है। तो अगर हमें आगामी समृद्धि संपन्नता का ध्यान रखना है तो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित ऐसी शिक्षा उन अध्ययन कक्षों में पहुंचानी होगी ताकि भारत का भाग्य का निर्माण हो सके, भारत का राष्ट्र निर्माण हो सके। इसीलिए कोठारी आयोग ने कहा कि अगर देश का राष्ट्रीय विकास करना है तो हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लागू करनी होगी जिससे शिक्षा प्रणाली शैक्षिक अनुसंधानों का निर्माण कर सके, रिसर्च कर सके और हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कर सके। तो यह कहना चाह रहा है भारत के भाग्य का निर्माण उनके कक्षों में निर्मित हो रहा है, इसीलिए शिक्षा का विकास करना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है व्यावसायिक शिक्षा और जनबल। ये कहना चाह रहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि आगे जाकर बच्चा रोजगार उन्मुख हो सके, उसे रोजगार मिल सके। ऐसा कौशल उसमें विकसित किया जाना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले समय में बेरोजगार न रह सके। तो यहाँ पर कोठारी आयोग कह रहा है कि ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी है ताकि व्यावसायिक उन्नति हो सके, व्यावसायिक शिक्षा। और इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में आंतरिक परिवर्तन बताए थे। क्या बताए थे बच्चों? आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर पर 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा अवेलेबल करवानी चाहिए और उच्च शिक्षा के 50% विद्यार्थी जो है उनको व्यावसायिक शिक्षा अवेलेबल होनी चाहिए। ये कोठारी आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव था। तो यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कोठारी आयोग ने। फिर कहा है शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय लक्ष्य है लोगों का रहन सहन ऊपर करना,
आय की विषमता को कम करना, सभी को रोजगार अवेलेबल करवाना, देश को आत्मनिर्भर करना, गरीबी को दूर करना, निरक्षरता को दूर करना, हर आम आदमी को शिक्षित करना, विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ये सब राष्ट्रीय लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब हमारे देश में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जाएगा, तभी हम राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोठारी आयोग ने कहा कि अगर हमें राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है अध्यापक शिक्षा। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि अगर अध्यापकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसीलिए कोठारी आयोग ने कहा कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों पर जोर दिया जाना चाहिए, वहां पर प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा उन अध्यापकों में ऐसी क्षमता का विकास करना चाहिए, ऐसे कौशलों का विकास करवाया जाना चाहिए ताकि वो आगामी आने वाली भावी पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। तो अध्यापक शिक्षा पर जोर दिया कि अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कौन से आयोग ने? कोठारी शिक्षा आयोग ने। फिर आता है बच्चों शिक्षा और उत्पादन का संबंध। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है बच्चों कि हमारे देश की शिक्षा प्राचीन काल में कुछ लोगों तक सीमित थी, कुछ लोगों का विशेषाधिकार माना जाता था, लेकिन धीरे 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 शिक्षा आम आदमी तक पहुंच गया है। आम आदमी को रोजगार देना, आम आदमी को शिक्षित करना, आय की विषमता को अगर कम कर दिया, लोगों को रोजगार दे दिया, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो उत्पादन का संबंध, हमारी आय को बढ़ाने का संबंध किससे है बच्चों? शिक्षा से है। ये कहना चाह रहे थे कोठारी आयोग। इसके बाद आता है आर्थिक विकास। आप सब समझ गए होंगे कि देश का आर्थिक विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगर स्कूली शिक्षा में ही बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी तो आगे जाकर के बच्चा अनुसंधान करेगा, और जितने ज़्यादा देश में अनुसंधान होंगे, रिसर्च होंगे, शोध कार्य होंगे, तो क्या होगा? देश का आर्थिक विकास होगा, देश की आय में बढ़ोतरी होगी, और उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे शोध कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएंगे जिससे हमारे देश की पहचान बनेगी। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो अच्छी शिक्षा बच्चे को अवेलेबल करवानी होगी। इसके अलावा शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना। आप सब जानते हो स्कूलों में ही बच्चों को हमारी जो पुरातात्विक संपत्ति है उसकी पहचान करवाई जाती है, सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, बच्चे को हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श है जैसे महाराणा प्रताप है, अकबर है, बीरबल है, जो भी हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, राष्ट्रीय जो आदर्श है, उन सब पर स्कूलों में बच्चे को शिक्षा दी जाती है ताकि भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, और बालक को एक ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। उसके बाद आता है बच्चों अंशकालीन और निजी समय की शिक्षा। आप सब जानते हो कि आज हमारे देश के बच्चे गरीब हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनके माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए अंशकालिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वो केवल साक्षर तो बन सके, लिख तो सके। इसीलिए पूर्णकालिक शिक्षा उपलब्ध ही नहीं, अगर कोई बच्चा अंशकालिक शिक्षा भी लेना चाहे तो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। ये कोठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिए, हर बच्चे का नामांकन करवाना, और हर बच्चे को अगर वो पूर्णकालिक शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो उसको अंशकालिक शिक्षा उपलब्ध
करवाई जाए। और निजी समय में जो प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान इसमें कहा गया कि विद्यालय शिक्षा के बाद में अगर कोई बच्चा रात को पढ़ना चाहे, कोई बच्चा सुबह जल्दी पढ़ना चाहे, तो उसकी व्यवस्था भी विद्यालयों में होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रजातंत्र में शिक्षा का कार्य। आप सब जानते हो बच्चों कि हमारा देश का प्रजातंत्र चाहता है हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक अवसरों की समानता मिले, बच्चों को सामाजिक और आर्थिक समानता मिले, समाजवादी लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। तो हमारे देश में अगर समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बच्चों को शैक्षिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता अवेलेबल करवानी है, आय की विषमता को कम करनी है, लोगों को जागरूक करना है, तो उसे एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी होगी। तो मतलब ये कहना है कि लोगों में अगर राजनीतिक जागरूकता पैदा करनी है, बच्चों में अगर व्यक्तियों में हमें जागरूक करना है, तो शिक्षा का विकास करना होगा। ये कोठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन। कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा कि 10+2+3 की व्यवस्था होनी चाहिए, प्री प्राइमरी में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, स्नातक स्तर पर राष्ट्रभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा बच्चे को अवेलेबल करवानी चाहिए। तो इस प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कही। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे का गुणात्मक विकास हो सके। अध्यापक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम। यहाँ पर कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा कि जो सेवारत जो अध्यापक है उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, समय समय पर उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पूर्व सेवारत होने से पहले भी अध्यापकों को अच्छे प्रकार का प्रशिक्षण अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक शिक्षा अधिक होगी, अगर अध्यापकों में गुणों का अच्छे से विकास किया जाएगा, उनमें कौशलों का विकास किया जाएगा, तो बच्चा भी अच्छा होगा, भारत के भाग्य का निर्माण अच्छे से होगा। अगर अध्यापकों को विज्ञान गणित इन सबको पढ़ाने का एक अच्छे कौशल का विकास किया जाएगा, तो बच्चा अच्छा अधिगम कर पाएगा। अंशकाली और अंशकाली कार्य। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा स्कूल में 7 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकता, जो बच्चा घर का काम भी करता है, उन बच्चों के लिए अंशकालिक समय में उन्हें अंशकालिक शिक्षा भी अवेलेबल करवानी चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को रोजगार दे, उनमें जीवन कौशल का विकास कर सके। व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि स्नातक करने के बाद भी अगर बच्चा बेरोजगार है तो ऐसी शिक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर बल, वो मैंने बता ही दिया कि स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, स्कूली स्तर पर ही विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्कूली स्तर को 2 भागों में बांट दिया गया, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। अब आता है शिक्षा और आधुनिकीकरण। सही बात यही है बच्चों कि अगर वर्तमान रहन सहन को अपनाना है, विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसको विकसित बनाना है, हमारे रहन सहन के स्तर को बढ़ाना है, हमारी आय को बढ़ाना है, विज्ञान का विकास करना है, आविष्कारों का विकास करना है, संरचनात्मक ढांचे का विकास करना है, तो शिक्षा में सुधार करना होगा। तो शिक्षा आयोग ये कह रहा है, आपका कोठारी आयोग कह रहा है कि देश का आधुनिकीकरण करना है, देश को आधुनिक मशीनों से सुसज्जित करना है, तो हमें शिक्षा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जितना ज्यादा हम यूज शिक्षा में करेंगे, शिक्षा उतनी ही गुणवत्तापूर्ण होगी और शिक्षा में आधुनिकीकरण का विकास होगा और हमारा देश आधुनिक बनेगा। शिक्षा और शिल्प। आप सब जानते हैं बच्चों, आज भी हमारे देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, जो आदिवासी इलाके से आते हैं, उनके पास शुल्क जमा करवाने के लिए नहीं है, उनके पास पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमारे देश की सरकार को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए
ताकि बच्चों को पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल हो सके, अध्ययन सामग्री अवेलेबल हो सके, पुस्तक कक्षों की स्थापना की जानी चाहिए, विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकें अवेलेबल होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शुल्क बच्चे से नहीं लिया जाना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा अगर बच्चे को उपलब्ध करवाएंगे तो हम हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता को स्थापित कर पाएंगे, हर बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे और हमारे देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो शिक्षित नहीं हो। अब आता है बच्चों शिक्षकों के गुण में योग्यताएं। देखो बच्चों, हमारे भारत का भाग्य कक्षा कक्षों में है तो उसको पढ़ाने वाले टीचर्स के गुण और योग्यताएं भी अच्छी होनी चाहिए। अगर अध्यापक अच्छा पढ़ाता है, अध्यापक में समायोजन का गुण है, संवेदनशील है, सहयोग की भावना रखता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है तो बच्चा भी वैसा ही करता है। देखो बच्चों, सबसे पहला गुरु होता है माता, लेकिन उसके बाद टीचर्स की बच्चों के भाग्य का निर्माण करते हैं। तो शिक्षकों की गुण और योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए, ये कह रहा है आपका कोठारी आयोग। फिर है आधुनिक समाज में शिक्षा प्रणाली। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कई सुधार करने की जरूरत है। सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध करवाना, सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके वहाँ पर विद्यालय बनाए जाने की व्यवस्था, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें विज्ञान व गणित पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जो आपका विश्वविद्यालय स्तर पर है उस पर अनुसंधान कार्यों पर जोर दिया जाए। तो आधुनिक समाज में शिक्षा प्रणाली अच्छी होगी तभी हमारे देश में राष्ट्रीय विकास हो सकता है, ये कह रहा है आपका कोठारी आयोग। विकलांगों की दिशा, आप सब जानते हो कि जब कोठारी आयोग का गठन हुआ था उस समय हमारे विकलांगों की दशा बड़ी ही खराब थी। तो विकलांगों की दशा सुधारने के लिए भी इसने सुझाव दिए कि विकलांगों को इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, इस प्रकार उनका सामान्य बालकों के साथ समायोजन पर बल दिया जाना चाहिए ताकि वो एक सामान्य बालक की तरह व्यवहार कर सके, सामान्य बालक के साथ समायोजित हो सके और इस समाज के साथ समायोजित हो सके, ऐसी शिक्षा विकलांगों को प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा कहा कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग ने विकलांगों को दिशा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति सुविधा, शैक्षिक सुविधा, उपकरण सुविधाओं का विस्तार पर भी चर्चा की। उसके बाद आता है शैक्षिक पुनः निर्माण का अष्टमुखी कार्यक्रम। ये 8 कार्यक्रम कोठारी आयोग ने बताए ताकि हमारे देश में शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सके। तो इसके लिए कोठारी आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाया जाना चाहिए, मतलब प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा अच्छे से किसी चीज को समझ पाएगा। तो सबसे पहले नींव ही प्राइमरी है, अगर नींव मजबूत है तो मकान भी मजबूत बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाया जाना चाहिए। उसके बाद रहते हैं उच्च अध्ययन केंद्रों को सबल बनाना, ऐसे रिसर्च सेंटर बनाना, विश्वविद्यालयों को रिसर्च का एक ऐसा सेंटर बना देना ताकि बच्चा अच्छे शोध कार्य कर सके, अच्छे टीचर्स के मार्गदर्शन में रिसर्च कर सके ताकि वो रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके और हमारे देश की आर्थिक उन्नति में योगदान कर सके। तो उच्च अध्ययन केंद्रों को इस प्रकार सबल उपकरण प्रदान करना ताकि बच्चा अच्छे से अपने शैक्षिक गुणों का विकास कर सके। कार्य अनुभव को अभिन्न अंग, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि शिक्षा अध्यापक केंद्रित नहीं होकर के बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को समस्या दी जानी चाहिए, बच्चों से एक्टिविटी करवानी चाहिए, उसको कार्य का अनुभव दिया जाना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए, उसको प्रयोगशाला में काम करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा में कार्य अनुभव पर सबसे ज्यादा बल दिया कोठारी आयोग ने। उसके बाद निरक्षरता का उन्मूलन, कोठारी आयोग का मानना था कि हर बच्चे को शिक्षित करना है, कोई बच्चा निरक्षर नहीं रहना चाहिए। भारत में निरक्षरता की दर को दिन प्रतिदिन घटाने के लिए
प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया, अंशकालिक शिक्षा पर जोर दिया, अंशकालिक कार्यों पर शिक्षा पर जोर दिया, विद्यालय शुल्क में कमी पर जोर दिया, छात्रवृत्ति पर जोर दिया, ताकि निरक्षरता का क्या हो सके, उन्मूलन हो सके। उसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को अवेलेबल करवानी चाहिए, मतलब स्कूली लेवल से ही बच्चों को क्या देना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों की किस्म में सुधार, आप जानते हो अगर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है तो अध्यापक प्रशिक्षण केंद्रों में सुधार करना होगा, जो आज भी नहीं हुआ है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो शिक्षकों की गुणवत्ता में, उनके प्रशिक्षण केंद्रों में सुधार होना जरूरी है। ये कह रहा है आपका कोठारी आयोग, जिसने 1964 में ही ये बात कह दी थी। शिक्षा व अनुसंधान पर बल, आप सब जानते हो अगर शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी, गणित पर जोर दिया जाएगा, विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य किया जाएगा, तो अनुसंधान पर बल दिया जाना चाहिए, बच्चे से कार्य करवाना चाहिए। अगर कार्य अनुभव को शिक्षा का अंग बनाया जाएगा तो शिक्षा में अनुसंधान होगा। फिर आता है शैक्षिक अवसरों की समानता। देखो बच्चों, हर बच्चे का शैक्षिक अवसर की समानता मिलनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक आर्थिक किसी भी दृष्टिकोण से बच्चा पिछड़ा हुआ है तो भी उसको शैक्षिक अवसर बच्चे को अवेलेबल होने चाहिए। तो आज हमने कोठारी शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझावों के बारे में चर्चा की बच्चों। तो कोठारी शिक्षा आयोग, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर इस शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग कहा गया, और इसी कोठारी आयोग के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति बनी 1968 में। इसने कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण कक्षों में निर्मित हो रहा है। इसने व्यावसायिक शिक्षा और जनबल पर जोर दिया। इसने शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य को जोड़ा। इसने कहा कि अध्यापक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इसने कहा शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना चाहिए, आम आदमी तक जोड़ना है, हर बच्चे को शिक्षित करना है, ताकि इस देश में उत्पादन स्तर बढ़े, आय की विषमता कम हो, हर बच्चा आत्मनिर्भर बने। शिक्षा और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना, बच्चों को सांस्कृतिक इमारतों के बारे में, पुरातात्विक इमारतों के बारे में, राष्ट्रीय आदर्शों मूल्यों का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही करवाया जा सकता है। अंशकालिक और निजी समय की शिक्षा, जो पूर्णकालिक शिक्षा नहीं ले सकते उनके लिए अंशकालिक और निजी समय की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रजातंत्र में शिक्षा का कार्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन, अध्यापक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे को रोजगार प्रदान कर सके। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक समाज का निर्माण कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बिना शुल्क के बच्चों को अवेलेबल हो सके, ताकि कोई बच्चा निरक्षर नहीं रह सके। शिक्षकों में गुण और योग्यताओं का विकास करना, शिक्षा के अवसरों की समानता, विकलांगों की शिक्षा प्रदान करना, और शैक्षिक पुनर्निर्माण का अष्टमुखी कार्यक्रम इस कोठारी शिक्षा आयोग ने दिया बच्चों। प्राथमिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाना, उच्च अध्ययन केंद्रों को सबर बनाना, कार्य अनुभव को अभिन्न अंग बनाना, निरक्षरता का उन्मूलन करना, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर की जो शिक्षा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना, शिक्षकों की किस्म में सुधार करना, शिक्षा व अनुसंधान पर बल देना, और शैक्षिक अवसरों की समानता, इन सब पर जोर दिया गया कोठारी शिक्षा आयोग, जिसमें 17 सदस्य थे, जिसका प्रमुख उद्देश्य था स्कूली शिक्षा की समीक्षा करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए कोठारी आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए, छात्रवृत्ति योजना, शिक्षण शुल्क में कमी किस प्रकार की जाए, इन सब के बारे में कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए, ये नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से रही हूं, मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के इन टॉपिक्स को क्लियर करवाऊं। आपकी जो समावेशी विद्यालय वाली जो बुक है
उसको पूरा क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो देखें और मेरे बोर्ड पर लिखाए हुए नोट्स को ध्यान से नोट डाउन करते रहिए, वीडियो देखती रहिए, ताकि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।